सुप्रीम कोर्ट में है, उन्हीं के भाई भतीजे चाचा ताऊ जितने भी ऐसा भरे पड़े हैं उसमें, है ना, कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है और उन्हीं लोग पूरी तरह से उस जो सिस्टम में यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वही लोग उनके भाई भतीजावाद लोग, और वहाँ जो सैलरी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो सैलरी भी हम लोगों के टैक्स के पैसे से मिलती है ना, और ज़्यादा तो हम ही लोग टैक्स देते हैं। जब हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो टैक्स भी हम ही लोग ज़्यादा से उन लोगों को अगर आरक्षण देना होता है, ओबीसी की बात करूँ अगर, तो कहते हैं जनगणना करा के लिए, लेकिन 72 घंटे में किसका पास हो गया था? जो उनका EWS था वो 72 घंटे में कहीं भी हमारे संविधान में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि 604 जजों की बहाली हुई है और उस जजों में जब मांगा गया कि कितने ST OBC के लोग हैं, तो आपको सुन के बहुत हंसी आएगी। कि 1991 जब ग्लोबलाइजेशन के दौर के बाद ही जो ग्रुप CD की जो भी नौकरियां थी वो सारे के सारे एक तरह से प्राइवेटाइज हो गई, और उस प्राइवेटाइज में किस तरह से हमारे हकों की हक अधिकार की किस तरह से हकमारी हो रही है, यही नहीं जो भी हमारे मुद्दे हैं इन सब मुद्दों पे, जो हम ठेकेदारी में रिजर्वेशन हो या फिर अभी जिस मुद्दे पे मुझे अभी अपने WTP की ओर से मैं रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ कि जो उच्च न्यायपालिका है यानी कि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में भी रिजर्वेशन का प्रावधान होना चाहिए, और उस कड़ी में मैं जिस विषय पे अभी ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ वो है कॉलेजियम सिस्टम। आप सभी को पता होगा कि एक कॉलेजियम सिस्टम बाबा साहब ने संविधान लिखा है, और उन्होंने एक किताब लिखी, अभी मैं उधर से आ रही थी तो मैंने उनकी एक किताब देखी जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखा है, वेटिंग फॉर ए वीजा। मुझे ये ध्यान ऐसा आया कि अगर बाबा साहब इस समय ऐसा होते तो उन्हें और एक चीज़ लिखना होता कि वेटिंग फॉर कॉलेजियम। जो कॉलेजियम हमारा सिस्टम है जुडिशियरी सिस्टम में, उन्हें ऐसा लगता जो उन्होंने लिखा था कि हमें तांगे पे बैठने के लिए किसी एक वर्ग का वीज़ा लेना पड़ता था, हमें पढ़ने के लिए वीज़ा मतलब पढ़ाई के लिए वीज़ा लेना पड़ता था, पानी पीने के लिए वीज़ा लेना पड़ता था एक खास वर्ग का। उसी तरह अगर बाबा साहब की अगर कहा जाए, या फिर अभी हम लोग जो बहुजन समाज के लोग हैं, इतने साल की आज़ादी के बावजूद भी 70 साल से भी अधिक हो गए, अमृतकाल मना रहा है देश, फिर भी हम लोग अभी भी कॉलेजियम मतलब उच्च जुडिशियरी में बिना कॉलेजियम के वीजा के बगैर नहीं जा सकते हैं। ये कितना हास्यपद है, और ये कॉलेजियम सिस्टम हमारे संविधान में ये कोई टर्म भी नहीं था। किस तरह से ताना बाना बुन करके इन जो कह सकते हैं मनुवादी लोगों द्वारा ये लाया गया उस विषय पर, और हम ये सरकार से इस मंच से डिमांड करते हैं कि स्क्रैप कॉलेजियम सिस्टम, इस कॉलेजियम सिस्टम को हटाया जाए और सबके लिए वो दरवाजे खोले जाएं, चाहे वो किसी भी तरह से एग्ज़ाम ले लें, कुछ भी करें, उसके बाद हमें उसमें घुसने का कुछ तो मौका मिले, वरना हम कॉलेजियम के वीजा वेटिंग रहेंगे। हम वेटिंग इन वीजा जो बाबा साहब ने लिखा है वैसे ही वेटिंग इन वीजा है अभी, कि जब तक वो कॉलेजियम का वीजा पास होगा तब हम जाके वहाँ पे बैठ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जज बन सकते हैं। आप सबको पता होगा कि 34 जो जज हैं, 33 जजों में एक जो मुख्य न्यायाधीश के अलावा, उसमें ST तो एक भी नहीं है अभी वहाँ पे जज, और SC है भी वो बहुत नाम मात्र है, उनकी कोई चलती नहीं है बस इस तरह से। तो और हाई कोर्ट में भी यही स्थिति है कमोबेश। तो हम इस मंच के माध्यम से आप लोगों से भी आह्वान करते हैं, जो भी मीडिया बंधु हैं उन लोग सब लोग तो यहाँ पे जनरली मेनस्ट्रीम मीडिया वाले तो आएंगे नहीं, वो तो हमारे न्यूज़ चलाने में उन्हें कितना दिक्कत होती है आप सबको पता है। अब थोड़ी बहुत क्योंकि अब इस बार की जो चुनाव है वो सोशल जस्टिस पे जो लड़ी गई, इसमें हम लोग सिविल सोसाइटीज का ही एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो अब थोड़ी बहुत वो भी दिखाने को मजबूर है, वरना उनकी जो TRP कह सकते हैं सोशल मीडिया ने जो अवेयर किया है लोगों से उससे हो रहा है। तो हम जैसा कि आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो स्वयं रिट ले सकती है, स्वयं सुओ मोटो एक्शन लेने का अधिकार होता है, लेकिन वो हमारे जो मुद्दे हैं, हम सब के बहुजन समाज के जो मुद्दे हैं, ST रिजर्व माइनॉरिटीज को जो मुद्दे हैं उस पर उनको ध्यान नहीं जाता। वो कोई भी मुद्दा आप ले लीजिए, अगर हम इनिशियल रूप से अभी ही कुछ दिन की बात करें तो अभी
नॉट फाउंड सूटेबल, आप चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो या फिर जो भी आईआईटी आईएम जैसे संस्थान हैं, उन संस्थानों में नॉट फाउंड सूटेबल की वजह से ही ना इतनी वैकेंसीज है, या फिर अभी रोस्टर सिस्टम पर जो पिछली बार डिस्कस किए थे हमारे डब्ल्यूटीपी की ओर से, तो ऐसी ऐसी सिस्टम इंटरव्यू भी कह सकते हैं, उससे हम लोगों को कुछ वो एक तरह से आने देना नहीं चाहते, उसको छट नहीं करने का वो एक तरीका है, इंटरव्यू सिस्टम हो, रोस्टर सिस्टम हो, या फिर ये जो कॉलेजियम सिस्टम भी, कॉलेजियम हमारे बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में कोई टर्म ही नहीं है, ये जब हमारी बहुजनों की पहली बार सरकार बनी थी, बीपी सिंह जब सत्ता में थे, तो जब मंडल कमीशन लागू हुआ इंदिरा सावने के केस में, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा उनकी स्थिति क्या थी, उसमें भी जब ओबीसी मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई और जो रिजर्वेशन मिला 27% जो ओबीसी को, उस समय भी उन्होंने एक कैप लगा दिया कि कॉलेजियम सिस्टम तो नहीं बात करी थी मैं, क्रीमिन एयर की बात कर दी, उन्होंने अपने ऊपर तो कोई क्रीमिन एयर नहीं लगाया, जो जज सुप्रीम कोर्ट में है उन्हीं के भाई भतीजे चाचा ताऊ जितने भी ऐसा भरे पड़े हैं उसमें, है ना, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर वो सिस्टम जो क्रीमी लेयर ओबीसी के ऊपर लगाया था, वो क्रीमी लेयर वो अपने ऊपर नहीं लगाए, उनके चाचा ताऊ भतीजे सब उसमें आ सकते हैं, कॉलेजियम सिस्टम ऐसा बना दिया गया, लेकिन हम लोग मतलब एक तरह से ओबीसी को लीडरलेस करने के लिए उन्होंने उसमें क्रीमी लेयर ले आए, साथ ही साथ उन्होंने SC ST के ऊपर भी ऐसा बोल दिया कि क्रीम जो है वो प्रमोशन में उनको आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको प्रमोशन के बाद आरक्षण से वो बड़े अधिकारी नहीं बन सकते, बड़े पोजीशन पे नहीं जा सकते, टॉप पोजीशन पे नहीं जा सकते, मतलब एन प्रकारेण उन्होंने इस तरह से रोकने की हमें कोशिश की, तो हम इस मंच से माध्यम से आज ये डिमांड करते हैं कि वो कॉलेजियम सिस्टम हटाया जाए। आप बहुत बड़ी बात करते हैं कि हम US की बात करते हैं, बहुत डेवलप करते हैं, सर ने भी उदाहरण दिया वहाँ के अफर्मेटिव एक्शन का, कि वहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन के तहत प्राइवेट सेक्टर हो या दूसरी भी सेक्टर्स हो, वहाँ पे जो 14% लोग थे मात्र, वहाँ पे 14% लोगों को वहाँ पे अफर्मेटिव एक्शन किया, हमारे प्रेजेंटेशन दिया, हमारा देश और वहाँ तो कैपिटलिज्म है, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, यहाँ पे हमें नहीं मिल सकता है, लेकिन वहाँ पे 14% लोगों ने लड़के लिया, अभी भी हमें लड़ना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगा, ऐसे तो देने वाले करेंगे, यहाँ तक कि जिन लोगों ने उन्हीं लोगों का एक तरह से मोनोपोली बनाया गया है कि जिसके बारे में जो भारत शासन अधिनियम जो 1919 में लाया गया था अंग्रेजों के शासन काल में, वो चेम्सफोर्ड द्वारा उन्होंने उनके बारे में एक वक्तव्य बोला था कि खास जाति के बारे में कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता है, और उन्हीं लोग पूरी तरह से उस जो सिस्टम में यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में वही लोग उनके भाई भतीजावाद लोग भरे पड़े हैं, तो हमें कहाँ से आने देंगे। अभी जैसा हमने उदाहरण दिया कि चाहे वो जब हमारे बहुजनों का मुद्दा हो, चाहे चाहे आपको पंचायत हो, न्यायपालिका हो, नगर पालिका हो, जैसे बिहार उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़ जैसे, उन लोगों को अगर आरक्षण देना होता है, ओबीसी की बात करूं अगर, तो कहते हैं जनगणना करा के ले आइए, लेकिन 72 घंटे में किसका पास हो गया था, जो उनका EWS था वो 72 घंटे में कहीं भी हमारे संविधान में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन उनको झटपट तुरंत 72 घंटे में उन्हें दे दिया गया, कोई डाटा भी नहीं मांगा गया। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों के साथ बायस रूप से हो रही है, तो हमें भी न्यायपालिका में मिलना चाहिए, चाहे उसके लिए कोई बड़ी एग्जाम ले लें, बड़ी परीक्षा ले लें, किसी भी तरह से तो हमें दें इंट्री, और वहाँ जो सैलरी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो सैलरी भी हम लोगों के टैक्स के पैसे से मिलती है ना, और ज़्यादा तो हम ही लोग टैक्स देते हैं, जब हमारी जनसंख्या ज़्यादा है तो टैक्स भी हम ही लोग ज़्यादा पे करते हैं, तो हमें उस उच्च जुडिशियरी जो है स्क्रैप कॉलेजियम सिस्टम हटा करके, अपने भाई भतीजावाद को हटा करके हमें वहाँ पे आरक्षण मिलना चाहिए, हमें भी वहाँ रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। अभी पिछले साल की बात है, जब लोकसभा में पूछा गया था एक सवाल कि कितने जज 2018 के बाद बहाली हुए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, तो उन्होंने कहा, जवाब देते हुए जो उस समय के कानून मंत्री थे, उन्होंने कहा कि 604 जजों की बहाली हुई है, और उस जजों में जब मांगा गया कि कितने ST ST OBC के लोग हैं, तो आपको सुन के बहुत हंसी आएगी कि उन्होंने कहा कि 72 OBC हैं, 18 SC हैं, 9 ST हैं, और 34 माइनॉरिटी के लोग हैं, बस इतना ही है, और बाकी सारे लोग कौन थे, वो लोग जो 3% लोग वाले हैं। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ गया,
कैसे डाइवर्सिटी आएगी और कैसे हम लोगों के लिए न्याय होगा। आज छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमारे लोग जो है वो जेलों में बंद है, उनके लिए न्याय कौन करेगा। आज देख लो पायल तड़वी का, देख लो रोहित बेमुला का केस ले लो, उन लोगों ने आत्महत्या कर ली, कोई उसके ऊपर कोई सुओ मोटो लिया गया, केस नहीं लिया गया सुओ मोटो। अभी किसान इतने 700 से ज़्यादा किसान मर गए जो यहाँ पे आंदोलन हुआ था, उसका भी कोई सुओ मोटो नहीं लेते हैं ये मिलॉर्ड ही कह सकते हैं ना, तो वो मिलॉर्ड लोग हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। और जब भी उनको उनके अपने हक के अधिकार की बात आती है तो 72 घंटे में EWS पास कर देते हैं बिना किसी डाटा के। तो हमें आरक्षण चाहिए जुडिशियरी में, इसकी हम डिमांड करते हैं और आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं कि जो भी हमारे मीडिया भाई हैं वो इस बात को देश के कोने कोने तक ले जाइए ताकि संसद में आवाज़ गूंजे, ताकि इस मुद्दे पे हमें आरक्षण हमें मिलना चाहिए। कि किस तरह से कॉलेजियम सिस्टम आया है ना, कॉलेजियम सिस्टम जब लाया गया था 1993 में, उससे पहले 1981 की बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट के बार काउंसिल ही अपने ही बार काउंसिल से उन्होंने केस गलाए थे, तो लेकिन 1981 में ये खारिज हो गया था। ये भी हास्यपद है कि 1981 में उन्होंने इस चीज़ को कॉलेजियम सिस्टम को मना कर दिया था कि हम देश के क्या विदेशों में भी कहीं भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जजेज अपॉइंट जजेज, कि जज ही अपने जज को अपने ही अपॉइंट कर लेते हैं। कि इसके लिए एक प्रावधान है हमारे यहाँ कि जैसे राष्ट्रपति अनुमोदन किया, उसके बाद वो अपॉइंट होते, उसके बाद वो जो सिस्टम वहाँ गया और उन्होंने एक टर्म संविधान में था जिसका जिक्र है, जिसमें कंसल्टेशन था, जो परामर्श की बात कहता था, लेकिन उन कंसल्टेशन टर्म को इन 9 बेंचों के जज थे, जो मनुवादी लोग ही कह सकते हैं, उन लोगों ने उस टर्म को ही चेंज करके कॉन्करेंस बना दिया, कॉन्करेंस कि परामर्श नहीं लिखा है, बस भी आपस में बस खाली हम लोगों ने दिया वहाँ नाम और उसी अनुसार से उसको बस हमने कहा और वो उन्हीं को देना है। मतलब एक तरह से हमारे जो 124 जो हमारे संविधान का एक आर्टिकल है जिसके अंतर्गत ये राष्ट्रपति अनुमोदन करता है और उसके बाद वो बहाली करता है, उस शब्द को एकदम ख़त्म करके उन्होंने अपने आप को सुप्रीमेसी करके अपने आप को पहले वो 1993 जो तीन जजेज की लोग मतलब एक तरह से कॉलेजियम सिस्टम था, बस उसके अंतर यह हुआ कि 1998 में आकर के केआर नारायणन जी जो जिन्होंने अनुमोदन भेजा उनके थ्रू, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 13 दिनों की, तो उस समय उन्होंने बस उसको थोड़ा सा किया कि वो 5 हो गया, 3 से बस 5 हुआ और वही 5 जज मिल करके हमारे देश का संविधान ही बदल दिया उन्होंने। पहली बार ऐसा हुआ कि 5 जज मिलकर ही अब हम मतलब एक तरह से वो एक कॉलेजियम सिस्टम है और उसी से सारे हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो उसमें अपॉइंट होते हैं। हाई कोर्ट में थोड़ा सा कुछ एक परिवर्तन है कि वहाँ के भी जजों को भी लिया जाता है। तो ये हमारा ये इसी मुद्दे पे आज आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही हूँ कि इस मुद्दे पे आवाज़ उठे और हमें भी न्यायपालिका में हमें रिप्रेजेंटेशन मिले, कॉलेजियम सिस्टम को स्क्रैप किया जाए, उसको हटाया जाए। इसमें मैं कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ इसमें कि अजय अरुंधति राय एक ने 2014 में एक किताब लिखी है, उस किताब में उन्होंने खुलासा किया जी, उस किताब में उन्होंने खुलासा किया है कि एससी मतलब हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में भी एक भी सुप्रीम कोर्ट मतलब दिल्ली हाई कोर्ट है उसमें भी एक भी एससी जज नहीं है, आपको गुजरात में एससी एसटी भी जज नहीं है। के आर नारायणन जो राष्ट्रपति थे उन्होंने इस मुद्दे को पे और ध्यान दिया कि भाई उसमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो उनके ऊपर भी मतलब मजाक उड़ाया, जो जज लोग थे उनका बहुत गंदी तरह से मजाक उड़ाया कि कैसे ये तो हमारे न्याय नहीं हो सकता, इस तरह से आप किसी और को घुसा दोगे, तो इस तरह की उनके साथ भद्दा मजाक।